Hello and good morning, children. Welcome to SEM 2. Today we will start with our first chapter, Unit 1, Writing About Writing of SEM 2. Here the activity 1 begins with a story of strong desire, voice, action, and part 1 of that story. And let me tell you, it is from the Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. आपने पढ़ा है इनिशियल ईयर्स में, मुझे ध्यान नहीं, बट इट्स वेरी फेमस एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. सप्लीमेंट्री रीडिंग की तरह छोटे क्लासेस में हम देते थे, तो उसके पार्ट वन की स्टोरी है. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी. ऑन अ लवली समर मॉर्निंग, Tom, the hero of this story, came out of the house to paint the long and tall fence. Looking at the very large fence, all joy left him. तो summer morning था और Tom जो hero है इस story का, वो बाहर निकला अपने घर से एक long और एक tall fence paint करने के लिए. But जैसे ही उसने fence की height और length देखी, he was very upset. उसकी सारी खुशी चली गई कि भाई मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा. Still he started working in a sad mood, but feared that he could not continue as the task was too big for him. But काम तो काम है, अब उसे करना ही है, तो sad mood में ही सही he started working on that. But उसको एक डर भी था कि मुझे यार ये वर्क नहीं करना है, दिस टास्क वॉज टू बिग फॉर हिम टू कंप्लीट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ही वॉज थिंकिंग अबाउट दिस बोरिंग वर्क. एट दैट टाइम अ बॉय हु वर्क्ड फॉर द फैमिली केम आउट एंड हिज नेम वॉज जिम. He was going to fetch water for the family. और वो बहुत sad होके अपना fencing का painting का काम कर रहा था. At that time a boy named Jim वो पानी भरने के लिए अपनी family के लिए बाहर निकला. Tom suggested that he would fetch water if Jim did the painting instead. तो यहाँ पर अदला बदली हो गई वर्क की. टॉम ने सजेस्ट किया कि मैं पानी भरने चला जाता हूँ अगर आप मेरे लिए पेंटिंग कर देते हो तो. But Jim was not interested. Tom then offered him one of the playthings and he even showed his sore feet to persuade him to do the painting. जब जिम ने कहा कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इंस्टेड आई विल गो एंड फेच द वाटर और तुम भले तुम्हारा पेंटिंग भला, तो इन ऑर्डर टू प्रिल्यूड हिम, थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं परसुएट करने के लिए, उसने कहा कि लो ना मेरा ये खिलौना भी तुम रख लो. ये दिखाया उसको और उसका सॉर फीट यानी कि उसकी जो फीट में थोड़ी सी चोट लगी हुई थी वो भी दिखाया ताकि आउट ऑफ सिंपथी वो उसकी पेंटिंग कर दे. ही ऑल्सो टोल्ड दैट जिम ही नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ आंट पॉली. और उसने जिम को ये भी आश्वासन दिया कि तुम बिल्कुल भी आंट पॉली से घबराओ मत. बट जिम रैन अवे विद द प्ले थिंग. टॉम हैड टू कंटिन्यू द पेंटिंग एज फास्ट एज पॉसिबल. बट उल्टा ही हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भरा ना. जिम रैन अवे विद द प्ले थिंग, वो उसका खिलौना लेकर वहाँ से चला गया और टॉम हैड टू कंटिन्यू द पेंटिंग. और कुछ टाइम उसका बिगड़ गया था इसीलिए एज फास्ट एज पॉसिबल उसको वो पेंटिंग शुरू करना पड़ा. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट टू. द थॉट ऑफ गोइंग आउट टू रिवर एंड स्विमिंग विद हक स्लोड डाउन टॉम्स पेंटिंग वर्क. तो जिम तो चला गया उसकी प्ले थिंग लेके. अब टॉम के दिमाग में क्या आ रहा है कि हक नाम के बच्चे के साथ उसने प्लान किया था कि रिवर में जाके स्विमिंग करेगा. इस वजह से क्या हो रहा है, उसका पेंटिंग का वर्क स्लो और स्लोअर होता जा रहा है. He also feared that the other boys would come and laugh at him for working. And another thing going on in this child's mind was कि दूसरे boys आकर देखेंगे कि अरे ये तो काम कर रहा है और उसका मजाक उड़ाएंगे. He had no valuables in hand to offer for buying help from the other
बॉयज़। अब उसके पास कोई खिलौना भी नहीं था कि दूसरों के साथ एक्सचेंज करके अपना ये काम करवा ले या हेल्प मांगे। सडनली अ ब्राइट आइडिया केम टू हिज माइंड एंड ही कंटिन्यूड वर्क हैप्पीली। अचानक से इस बच्चे के दिमाग में कुछ तो खुराफाती आइडिया आया एंड ही कंटिन्यूड हिज वर्क नाउ नॉट सैडली बट हैप्पीली। बेन रॉजर्स अराइव्ड इमिटेटिंग अ रिवर बोट। वहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम था बेन रॉजर्स, वो आया और वो किस तरह से इमिटेट कर रहा था, एज इफ ही वॉज अ रिवर बोट। टॉम गिव अ लिटिल अटेंशन टू हिम एंड कंटिन्यूड पेंटिंग एज इफ इट वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क एंड ही एन्जॉयड इट। तो टॉम ने उसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया एंड ही कंटिन्यूड हिज वर्क एज इफ कि मेरा वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं इसे एन्जॉय भी कर रहा हूँ। सो जैसे ही टॉम बताता है कि मेरा वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम एन्जॉइंग इट, दिस मेड बेन टू कम क्लोजर एंड इवन टू रिक्वेस्ट टॉम टू गिव द ब्रश फॉर हिम टू ट्राई। ये देखते ही बेन के मन में आता है कि प्लीज़ गिव मी दैट ब्रश, लेट मी ट्राई दैट फॉर वंस। बट टॉम कन्विंस बेन दैट पेंटिंग द फेंस हैड टू बी परफेक्ट एंड देर वॉज ओनली वन बॉय इन 1,000 हु कुड डू इट वेल। नाउ दिस इज़ द प्लान दैट वॉज गोइंग ऑन इन टॉम्स माइंड। उसने बेन को कहा कि नहीं भाई, ये तो 1,000 में एक ही लड़का कर सकता है क्योंकि पेंटिंग द फेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। This got Ben more interested and he offered his apple in exchange for the privilege of working on the fence. तो भाई इतना ही सुना और बेन को और इंटरेस्ट आने लगा और उत्सुकता होने लगी, भाई पेंट करने में इतना क्या मज़ा आता है। सो ही इवन ऑफर्ड हिज एप्पल फॉर द एक्सचेंज ऑफ पेंटिंग द फेंस। टॉम गेव द ब्रश रिलक्टेंटली बट विथ जॉय इन हार्ट। टॉम बहुत ही समझदार बच्चा, उसने ऐसे दिखाते हुए ब्रश दिया, रिलक्टेंटली मीन्स थोड़ा हेजिटेटिंगली, बट उसके हार्ट में तो फुल ऑफ जॉय था। दिस आइडिया वर्कड विथ सेवरल अदर बॉयज टिल द एंटायर फेंस वॉज पेंटेड थ्राइस एंड नो पेंट लेफ्ट बिहाइंड। और ये सिर्फ उसने बेन के साथ नहीं, बाकी बहुत सारे बॉयज़ के साथ किया। इनफैक्ट द फेंस वॉज पेंटेड thrice and there was no paint left behind. Tom had collected a hoard of miscellaneous treasures like a small cat with one eye, a piece of broken blue glass, etc. और exchange में Tom को सिर्फ apple ही नहीं, ऐसी बहुत सारी miscellaneous यानी कि unknown चीज़ें, ऐसी बहुत सारी gift items मिली। For example, a small cat with one eye, a piece of broken blue glass, etc. टॉम डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड। उस दिन टॉम ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ह्यूमन एटीट्यूड के बारे में सीखी। क्या? नो वन रन्स बिहाइंड द ऑर्डिनरी बट एवरी वन विल हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और दैट विच इज़ नॉट ईजी टू गेट। ये हमारी लाइफ का ट्रुथ है चिल्ड्रन, कि किसी को भी कोई भी ऑर्डिनरी चीज़ नहीं चाहिए, ईजिली अवेलेबल चीज़ नहीं चाहिए, बट सभी ह्यूमन बीइंग्स उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बहुत ही हार्ड है मिलने के लिए। सो दिस ट्रूथ इज़ वॉट ही लर्न फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन। तो उसने बहुत ही वाइसली अपना काम दूसरों से करवाया और एक सबक भी सीखा कि दूसरों से अगर काम करवाना है तो कैसे करवाया जाता है। होप यू अंडरस्टूड।